छात्र जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले मगध विश्वविद्यालय बोधगया में व्याप्त कुव्यवस्था, प्रशासनिक तानाशाही एवं सेशन लेट लतीफ के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व करते हुए छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने कहा कि आज का मशाल जुलूस मगध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तानाशाही रवैया के खिलाफ है। छात्रों के साथ लगातार इस विश्वविद्यालय में शोषण हो रहे हैं, कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। विगत गई दिनों से डिग्री की समस्याएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सबों की आशा थी कि स्थायी कुलपति के आने से समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विश्वविद्यालय का सत्र पहले से विलंब चल रही थी, वो आज भी कायम है। परीक्षा फॉर्म भरवाकर परीक्षा नहीं ली जा रही है। पीएचडी फॉर्म भरे कई महीने बीत गए, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं लिया गया है। बताइए क्या मामला है? बहुत बहुत नमस्कार। आज छात्र जनता दल यूनाइटेड की ओर से घोषित 3 अक्टूबर को आज छात्र जदयू के द्वारा मसाज उसका आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि मगध विश्वविद्यालय की व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है, विश्वविद्यालय परिसर में ना ही लाइट की व्यवस्था है। अभी लाइट देखोगे, अभी चला है लाइट की व्यवस्था, न लाइट की व्यवस्था है, न छात्रों के समय पर डिग्री मिल रहा है, न छात्रों के सह समय पर परीक्षा लिया जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति को पचपन पोस्ट देकर बैठाए हुए माननीय कुलपति महोदय, मुझे कुलपति महोदय से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उनके इधर गिर्द जो 5 लोग हैं उनको अभी तक वो सब मिलकर दिमाग की तरह छात्रों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्रावास में पीने की व्यवस्था नहीं है, परिसर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोगों के लिए अगर गार्ड की व्यवस्था नहीं है। आप तो बता रहे हैं अभी बाहर इतनी समय 7:30 बज रहा है, इस समय हमारे छात्र जदयू के साथियों ने जो भारी संख्या के साथ आने का काम किया है, माननीय कुलपति महोदय को ये चेता रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय चेता रहे, सतर्क हो जाइए माननीय महोदय। अगर छात्र जदयू गाजे बाजे के साथ आपकी स्वागत कर सकता है, जल्दी अगर विश्वविद्यालय की समस्या को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो छात्र जदयू आमरण पर बैठने का काम करेगा। यहाँ एक व्यक्ति को 5 पोस्ट दिए हुए हैं, जबकि राजभवन के द्वारा सख्त निर्देश है कि एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पर हो। आखिर क्या व्यवस्था है कि आप 5 व्यक्ति को एक ही पोस्ट दिए हुए हैं? अविलंब हटाइए महोदय। साथ ही मैं मांग करूंगा माननीय कुलपति महोदय से कि विश्वविद्यालय परिसर में पीने की व्यवस्था, गार्ड की व्यवस्था, छात्रों का डिग्री 6 महीना से अब हो गया है, छात्रों को डिग्री नहीं मिल रहा है, ना ही छात्रों को किसी प्रकार की सुविधा दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि 18-21 जो बीए पास थर्ड पास किए हैं उन सभी छात्रों का अभी तो मार्कशीट नहीं बना है, ना ही 20-22 सेशन, सारा सत्र विलंब चल रहा है। तो मैं माननीय कुलपति महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप जोश तो देख ही नहीं होंगे, माननीय नीतीश कुमार की जो योजना है उसको यहाँ के कुछ लोग मिलकर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो मैं ये चेताना चाहता हूँ, आए दिन विश्वविद्यालय परिसर में चोरी हो रहा है, कर्मचारियों के भाइयों घर में चोरी हो रहा है, महिला छात्रावास में एक भी सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। हमारी अगर बहने सुरक्षित नहीं है मगर विश्वविद्यालय परिसर में, तो माननीय कुलपति महोदय और यहाँ के प्रशासन कान में सोई हुई है। मैं चेता देना चाहता हूँ, अगर छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार रहेगा तो छात्र यदि आने वाले समय में इससे ही बड़ा उग्र आंदोलन करके चेताने का काम करेगी। उत्तम कुशवाहा अध्यक्ष मगर विश्वविद्यालय बोलिया।